गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो संडे मॉर्निंग का टाइम है, हम सब ने जो है ना शॉवर ले लिया है और ब्रह्मा जो है ना आजकल आंवले बहुत इंजॉय कर रहा है, उसे बहुत पसंद है आंवला खाना। तो बस उसके लिए वही मैं कट कर रही हूँ और कट करके वो जो है ना उसके ऊपर नमक डाल के बहुत ही चाव से खाता है। और संडे मॉर्निंग का टाइम है, हस्बैंड जो है ना तैयार हो चुके हैं, हस्बैंड और आशीष दोनों जाएंगे आश्रम, मैं ब्रह्मा वर्षा हम तीनों जो है ना नहीं जाएंगे, घर पे ही रहेंगे। और संडे जो है ना मेरा पूरा फुल डे बहुत ही आलस वाला गया और बहुत ज़्यादा जो है ना लोअर बैक के खो रहा था, तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा लेज़ी लेज़ी वाला डे हुआ मेरा ये वाला जो संडे था ना। एंड थैंक गॉड कि मैंने सैटरडे को जो है ना इडली डोसे का जो बैटर होता है ना एक बड़ा गंज भर के जो है ना बना के रख दिया था, काफ़ी उससे जो है ना मेरा काम आसान हो गया। संडे मंडे दोनों दिन जो है ना वो बैटर रखा हुआ था ना तो बहुत ही मेरा काम इजी हो गया। आशीष ने भी अभी शॉवर ले लिया, अब आशीष और हस्बैंड दोनों जाएंगे आश्रम और बच्चे और मैं घर पे है। तो मैंने यहाँ पे जो ना दूध बॉयल करने के लिए रख दिया और ब्रह्मा वर्षा के लिए मैं बनाऊँगी डोसा। Hello everyone, how are you? Say hello everyone, how are you? Are you eating? What are you eating? What Brahma is eating? What are you going to eat? Dosa. Dosa. Is dosa is your favorite? Yes. You like dosa? Yes. How much you like? 4,000. 4,000? दो। अच्छा डोसे में क्या डालूं आके? डोसा पे क्या डालो बताओ, क्या डालूं? सॉस। सॉस उसके बाद घी। घी और फिर उसके साइड पे एक बटर। बटर और फिर उसके अंदर ऑनियन भी। हाँ अनियन निकाल के दो नीचे से मेरे को। नहीं अनियन नहीं। अनियन नहीं हाँ। तो बस आपको डोसे में चाहिए सॉस घी बटर। हाँ। पहले सॉस। मम्मी मैंने बोला था ब्रह्मा को अनियन डाल दी थी गलती से, खा लिया इतना मस्त लगा तो वो सब डाले, तो अब अनियन डालना ही तो पड़ेगा, तो है ना? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हम रोज हमेशा एक जैसी चीजें थोड़ी खाते हैं, आज मन नहीं है तो जाने दो, आज के हम मन है वो खाओ। दोनों बच्चों को जो है ना मैंने नाश्ता दे दिया, मैंने भी जो है ना यहाँ पे अपने लिए भी डोसा बनाया था तो डोसा खा लिया। और अब ना पिछले 2-3 दिनों के कपड़े जो है ना धुल के जो फोल्ड करके रखे हुए हैं तो बस उन सभी कपड़ों को भी सेट करके जमाना है कब्ज में। सारे कपड़ों का जो देखिए पहाड़ सा बन गया है और ये वाला काम ना मुझे इतना ज़्यादा इरिटेट करता है ना, आई डोंट नो व्हाई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कपड़े प्रेस करना, जमाना एंड ऑल दोस, बट करना पड़ता है बिकॉज इट्स अ यू नो पार्ट ऑफ योर डेली वर्क। तो बस ये सारे कपड़े भी मैं सबके जो है ना सेट करके अलग करके और कब्ज में सेट कर दूँगी। रिसेंटली मैंने 15 दिन पहले ही दीपावली के टाइम पे
पूरी बच्चों की अलमारी वगैरह सब खाली करके सेट करके साफ करके जमाई थी। बट अगेन आप देखेंगे ना तो इन बच्चों के कबर्ड जो है ना इतने ज़्यादा बिखरे बिखरे रहते हैं ना, स्पेशली आशीष और ब्रह्मा का। ये लोग ना एक कपड़ा निकालेंगे और 10 कपड़े जो है ना गिराते हैं। तो बस वो भी थोड़ा थोड़ा सेट कर लिया मैंने, और बच्चों की यूनिफॉर्म क्योंकि संडे है ना तो तीनों की तीन तीन यूनिफॉर्म है, दो दो रेगुलर और एक स्पोर्ट डे की जो होती है ना, तो तीनों की तीन तीन पेयर जो है ना सब कुछ मैं प्रेस करके और उनके सॉक्स एंड ऑल सब सेट करके रख दूंगी, सो दैट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 डेज जो है ना कम्फर्टेबली सुबह सुबह बच्चे जो है ना तैयार होकर स्कूल जा सके। बिकॉज मॉर्निंग मॉर्निंग ये सब प्रेस करना एंड ऑल दोज जो है ना अगेन एक डिफ़िकल्ट सा टास्क हो जाता है। तो संडे को ये तीन पेयर जो है ना मैं इनके प्रॉपरली प्रेस करके आयरन करके रख देती हूँ, सो दैट मेरे तीन दिन थोड़े कंफर्टेबल जाए, एंड बाकी के बच्चे दो दिन, तो बीच में जब ये यूनिफॉर्म्स धुलेंगे ना तो अगेन से प्रेस करके रख दूँगी। बच्चों के यूनिफॉर्म सॉक्स एंड ऑल सब कुछ प्रेस होके रेडी हो चुके हैं, बस इन्हें भी जो है ना कबट में मैं सेट करके रख दूंगी, और ये काम मैं संडे को कर देती हूँ ना तो मेरा काम बहुत ही कंफर्ट हो जाता है वीकडेज में मॉर्निंग आवर्स में। अदरवाइज वीकडेज में मॉर्निंग आवर्स में जो है ना अगेन से काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना हड़बड़ी सी हो जाती है स्कूल जाते समय, बच्चों की यू नो लंच बॉक्स एंड ऑल तैयार करो फिर ये सब भी। तो मैं जो ना संडे को ही ये सब रेडी कर देती हूँ सो दैट वीकडेज थोड़े कम्फर्टेबल जाए। और बच्चों का जो है ना ड्राइंग क्लास का भी टाइम हो चुका है, तो यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को जो है ना दूध पिला के भेज दूँगी ड्राइंग क्लास के लिए। और अपने लिए मैंने जो है ना सिंपल सा एक डोसा बनाया है, एक बड़ा सा डोसा बना दिया है, उसमें अनियन और ग्रीन चिली वगैरह डाल के, और बच्चों को जो है ना हस्बैंड अब लेके जा रहे हैं ड्राइंग क्लास के लिए, और उन्हें जो है ना ड्राइंग क्लास छोड़ कर आएंगे। बच्चों को ड्राइंग क्लास भेजने के बाद अगेन से जो है ना मैं आज थोड़ी देर सो गई थी, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा लेजी एंड लेथार्जिक सा फील हो रहा था आज। तो बच्चों को जो है ड्राइंग क्लास भेज के मैं सो गई थी आज थोड़ी देर। मुझे ना वैसे मैं बहुत कम सोती हूँ दोपहर, वेरी रेयर, बट आज मुझे जो ना बड़ी सुस्ती थकान सी लग रही थी और नींद भी अच्छी आ गई, तो फिर मैं उठी, उठ के बच्चों को जो है ट्यूशन से लेकर आई, और अब जो है ना कुछ बनाने का मूड नहीं कर रहा है, बहुत थकान सुस्ती लग रही है। तो देखती हूँ, मैं ना सोच रही हूँ कि सिंपल सी मैगी बना दूँगी और चाय बनाती हूँ गर्मा गर्म चाय। टाइम हो चुका है यहाँ पे 7:20 हो गया है, दिया बत्ती वगैरह सब मैंने कर लिया, और बस अब मैगी और चाय करेंगे आज, और कुछ करने का मन नहीं कर रहा। आज जो सुबह से कुछ भी मैंने प्रॉपर कुकिंग नहीं की है, जस्ट डोसे बनाए और अब मैगी। उधर है कभी कभी कि कुछ कुकिंग शुकिंग करने का मन नहीं करता है, तो बस आज वही वाला डे था। बट कुछ खाना तो है ना, आई मीन भूख तो लगती है राइट, तो चलिए फिर बनाते हैं मैगी। वैसे तो मैं भी मैगी ज़्यादा खाना प्रेफर नहीं करती, ना ही बच्चों को खिलाना, बट एज एन एमरजेंसी स्नैक्स वंस इन अ मंथ हमारे घर में मैगी बनता ही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी तबीयत उतना साथ नहीं दे पाती कि आप कुछ कर पाओ, तो ये बहुत ही एक सिंपल प्लस इजी और क्विक सा ऑप्शन होता है, और बच्चे भी जो है ना शौक से खा लेते हैं। तो होता है ना कभी कभी आपकी तबीयत बिल्कुल आपको साथ नहीं देती, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, तो अगर मैगी का पैकेट घर पर रखा रहता है ना तो बच्चों के लिए एक स्नैक का ऑप्शन होता है, और बाहर से कुछ रेडीमेड ऑयली स्पाइसी वगैरह मंगाने से बेटर है कि घर में 2 पैकेट मैगी बना लो, और एटलीस्ट बच्चों के लिए कुछ तो एक ऑप्शन होता है। तो मैंने बच्चों को जो है ना मैगी दे दी,
और यहाँ पे चाय और मैंने केक लिया है, रेडीमेड केक मैंने मंगाया था, वनीला फ्लेवर वाला सिंपल प्लेन केक। तो बस ये चाय लेते हुए मैं जो है ना वीडियो का थोड़ा सा एडिटिंग का काम कर लूँगी, बिकॉज मुझे ये एक वीडियो भी अपलोड करना था चैनल पे। तो बच्चे जो है ना अपना मैगी खा रहे हैं और मैं ये अपना एडिटिंग का काम कर लूँगी। और ये है नेक्स्ट डे मंडे मॉर्निंग का टाइम। तो मंडे मॉर्निंग को जो है ना वही इडली डोसे का बैटर जैसे कि मेरे पास रखा हुआ था, तो बस मैं उसी से जो है ना बच्चों के लिए बना रही हूँ इडली। और सांभर के लिए मैंने दाल जो है ना साइमल्टेनियसली चढ़ा के रख दी है ताकि दाल उबल जाए और अगर इडली जैसे ही बन जाएगी तो इडली भी रेडी होगी बॉक्स के लिए। और यहाँ पे मैं जो है ना सांभर बना रही हूँ, सांभर के लिए जो जो थोड़ी बहुत सब्जियाँ रखी थी वो कट करके रेडी कर ली है। रेसिपी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ, ऑलरेडी मैंने चैनल पे की हुई है सांभर की डिटेल रेसिपी। और यहाँ पे जो है ना मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मुझे थोड़ा सा बैकेक का इशू है, तो वो बैकेक का जो बेल्ट है ना लगा हुआ है और मैं रिकॉर्डिंग के समय उसे निकालना भूल गई थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं आया जब मैं ये सुबह के बना रही थी ना बच्चों का बॉक्स। तो ठंड के टाइम पे थोड़ा सा बैकेक जो है ना इंक्रीज़ हो जाता है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। तो मैं ये जो बेल्ट है ना इसे पहन के ही अपनी मॉर्निंग आवर्स के, स्पेशली मॉर्निंग आवर में ही जो है ना थोड़ा सा बैकेक ज़्यादा होता है, तो ये बेल्ट पहन के जो है ना अपने सारे काम निपटा लिए। और बस अब बच्चों का जो है ना बॉक्स पैक कर रही हूँ। एक बॉक्स में मैंने स्मॉल ब्रेक के लिए उनको जो है ना एप्पल कट करके दिया है, और एप्पल में जो है आप हल्का सा नींबू की कुछ ड्रॉप्स उस पर लगा दीजिए तो बिल्कुल एप्पल जो है ना काला नहीं होता है, लॉन्ग टाइम तक एज इट इज़ रहता है। और बस अब जो है ना इडली डाल के, और सांभर मैंने एक बाउल में अलग करके थोड़ी ठंडी कर ली, बिकॉज़ गर्मा गर्म जब हम सांभर दाल वगैरह कुछ डालते हैं ना तो बॉक्स का जो लिड होता है ना वो ओपन होने लगता है स्टीम से। तो यहाँ पे मैं जो ना वर्षा की चोटी बनाने चली गई एंड देन सांभर को ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो हस्बैंड ही जो है ना बच्चों का ये बॉक्स डाल के पैक कर रहे थे, बिकॉज़ वर्षा की चोटी भी मुझे बनानी थी। और बस यहाँ पे जो है ना बच्चों का बॉक्स भी हो गया, इडली सांभर और एप्पल। बस फ्रेंड्स ये था मेरा आज का सिंपल सा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको मेरा जो आज का ये व्लॉग है पसंद आया होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।